हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। हमारी ट्रेनिंग मुंबई में होने वाली है, जो 10 तारीख को होने वाली थी, लेकिन उसको भैया दूज के वजह से और आप लोग को डिमांड के वजह से मैंने उसको थोड़ी आगे बढ़ा दी है, जिसकी डेट है 17 नवंबर से 21 नवंबर तक। और जो हमारी होम सिटी कलकत्ता है, तो कलकत्ता में 29 तारीख को हमारी ट्रेनिंग है, 29/11 से लेकर आपकी 3/12 तक। उसकी सीटें सब बुक हो चुकी है, लेकिन आप लोग कुछ जो रह गए हैं और बहुत सारी हमारे पास कॉल आ रही है जो कि ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैंने सेकेंड शिफ्ट उसको चालू कर दिया है। सेकेंड शिफ्ट की रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है, जो कि 17 दिसंबर से लेकर आपकी 21 दिसंबर यानी 5 दिन के लिए होगी और जो 10 मेंबर के लिए होगी। तो आप लोग उसकी रजिस्ट्रेशन जल्दी से करा सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करा लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आज आप लोग के सामने एक चाइना की जो टीवी लेकर आया हूँ, जो कि हमको चाइल्ड लॉक दिखा रही है, लेकिन इसकी फाइनली सोल्यूशन क्या है मैं उसको आपको बताऊंगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, ये सेट है हमारे पास, आइए हम इसको ऑन करके देख लेते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। ये रिमोट वर्क नहीं कर रही है, हालांकि रिमोट अच्छी है लेकिन रिमोट वर्क नहीं कर रही है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी मैन्युअली की से मैंने इसको ऑन किया, ये ऑन हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीन लाइट जल गई। जलने के बाद आगे, लेकिन हमारी ये जो रिमोट है वो वर्क नहीं करेगी। मैं अगर मैनुअल की अगर दबाऊंगा, यहाँ दिखाइए सिर्फ की लॉक दिखाएगी। देखिए, इसका बहुत सारी टिप्स होती है इसको ठीक करने के लिए, लेकिन फाइनली टिप्स होती है कि जो हम इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, यानी इसकी जो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो इसमें दो तरह की हम लोग टिप्स यूज कर सकते हैं। एक की इसकी सॉफ्टवेयर हम लोग कॉपी करके फिर इसको ही हम लोग दे सकते हैं। जैसे मैंने इसकी कॉपी कर ली सॉफ्टवेयर, करने के बाद मैं फिर इसी सॉफ्टवेयर को इस पर चढ़ा दिया, उससे हमारी सेट ओके हो जाती है। अगर उससे भी अगर ओके नहीं हुई, तो इसकी जो सॉफ्टवेयर आप रखे हुए हैं वो उसको आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर चढ़ाने से पहले आप आगे पीछे अगर सोच लीजिए कि ये जो हमारी सॉफ्टवेयर जो मिलती है उस पर सॉफ्टवेयर कुछ और रहता है और नाम कुछ और लिखा हुआ रहता है, तो आप सब इसको आगे पीछे वेरीफाई होकर कोई भी सॉफ्टवेयर आप कोई भी एलसीडी एलईडी में आप यूज करिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो। देखिए, हम लोग इसको आरटीएफ 809F से इसको कनेक्ट कर दिए वीजीए में, ठीक है। और हम अब कंप्यूटर पर चले जा रहे हैं, कंप्यूटर पर जाकर हम इसको एफ यूज कर ले रहे हैं। ये हो गई, हम ऑटो आईएसपी पे जाएं, इसने सेलेक्ट कर ली हमारी कौन सी फ्लैश आईसी है, कितनी बिट की है, ठीक है, और उसने सब डिटेल्स आपको दिखा दिया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। दोस्तों, अगर ये वीजीए से रीड होकर राइट हो जा रही है तो ठीक है, तो ये रीड तो होने में कोई तकलीफ नहीं करेगी, रीड हो जाएगी। अगर इसकी प्रोटेक्शन मोड दी होगी, राइट प्रोटेक्ट जो जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग को राइट अगर नहीं लेने से, एरर शो करने से, आईसी को रिमूव करके हम लोग को करना पड़ेगा। अगर वो ले ली अपने आप तो वो अलग बात है। ये सब की जानकारी पूरी डिटेल्स हमें अपने ट्रेनिंग में देता हूँ कि कैसे इसको किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, कौन सी फाइल कौन सी क्या है, कौन अच्छी है कौन करप्ट है, ये सब पूरी डिटेल्स मैं देता हूँ। ये आज आप लोग के पास बहुत सा रिक्वायरमेंट था कि थोड़ा आप सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा एक बताइए, तो ये हमारे पास एक आई हुई है चाइना की लॉक। हालांकि लॉक बहुत तरह से उसकी टिप्स है, लेकिन वो टिप्स अगर काम नहीं करेगी तो हमारी फाइनली टिप्स यही है कि इसको प्रोग्रामिंग करें। वेरीफाई हो रही है, यहाँ पर दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, देखिए ऑटो वेरीफाई हो रही है, और दिखाइए यहाँ पर ऑटो वेरीफाई हो रही है। ये हमारी कंप्लीट होने वाली है, रीडिंग हो रही है, अभी रीड हो रही है, मैं इसको राइट नहीं कर रहा हूँ। अगर इसकी कॉपी मैं
कर ले रहा हूँ, बैकअप में ले ले रहा हूँ ताकि हमारे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना करे, लेकिन मैं यही फाइल को मैं रीड करके फिर इसी को मैं इस पर राइट करूँगा। तो ऐसे करने से ये चालू हो जाती है। ऐसे आप दूसरी सेट में भी अगर आपके पास डेट सेट आए तो उसको कॉपी करके आप इसको दोबारा राइट करने से आपकी ये सेट वर्क हो जाती है। ये हमारा आजमाया हुआ प्रैक्टिकल है, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारी यहाँ पर एक फाइल आ गई, सेव हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर हमारी सेट भी चालू हो गई, चालू हो गई, लेकिन रिमोट नहीं काम कर रही है, ऐसे ही हो गया क्योंकि मैंने तो अभी राइट किए ना, सॉरी रीड किए ना, राइट तो की नहीं, अभी तो फाइल सेव हुई है ना। ये बिन फाइल में होती है, अधिकतर सब जितनी फाइल बनेगी बिन फाइल में ही बनेगी। अब इसको मैं हमको पहचानने के लिए अपना जो भी हो अपना एक नाम दे सकते हैं जो कि आप इससे पहचान सकें। राइट, मैंने राइट क्लिक कर दी, ये राइट हो रही है। यहाँ पर देखिए इसने फिर ऑफ कर दी राइट होने के टाइम में, ये हमारी राइट हो रही है। यहाँ पर देखिए ये राइट हो रही है, ये स्टार्टिंग राइटिंग, ये इरेजिंग होकर राइट राइट में आ रही है। देखिए यहाँ पर राइट राइट हो रही है, स्टार्ट राइटिंग दिखा रही है। थोड़ा और नज़दीक ले जाओ, और थोड़ा नज़दीक ले जाओ। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्ट राइटिंग हो रही है। अगर यहाँ पर वेरीफाई ओके कर लिया तो ठीक है, अगर इसने इरोर दिखा दिया कोई भी तो इसका मतलब इसको मेरे को मतलब फ्लैश आईसी को रिमूव करके इसको फ्लैश करना होगा, क्योंकि आप रीड किसी से भी कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते, कुछ कुछ में राइट प्रोटेक्ट दी हुई रहती है। राइट हो गई, ऑटो वेरीफाई हो रही है, देख रहे हैं तो आप ऑटो नजदीक ऑटो वेरीफाई हो रही है, ये वाली हमारी ऑटो वेरीफाई हो रही है, अभी वही स्टैंड बाई में वेरीफाई हो रही है। वेरीफाई हमारी कंप्लीट होने के बाद ये लगभग 3 मिनट तक का समय लेती है, जो हम लोग अगर इसको ऑनलाइन करते हैं, अगर ऑफलाइन करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है सेट हमारी, क्योंकि हमने इसी की कॉपी करके इसी को मैंने दोबारा इस पर चढ़ाया। रिमोट काम कर रही है कि नहीं, ये तो रिमोट वर्क नहीं कर रही है। रिमोट देखिए अभी भी ये रेडी नहीं हुई, की लॉक ही दिखा रही है। ये मैंने हर तरह से इसको कोशिश कर ली है, लॉन्ग प्रेस करके पावर वॉल्यूम जितनी हो उसकी मैनुअली मैंने बाहर से देख चुका हूँ, लेकिन इसकी दूसरी कॉपी करके भी नहीं हुआ। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर डालेंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर डालने से रेडी हो जाएगी, लेकिन हमारी ये कंपनी की जो रिमोट है ये वर्क नहीं करेगी, वो हमारी जो इन्वर्सर की रिमोट होती है ना वो वाली वर्क करेगी, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल अपने कंपनी वाले एक अपने रिमोट को आयर कोड एक कंपनी वाले दिए रहते हैं, इसलिए उन्हीं की रिमोट वर्क करती है, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरा इसको थोड़ा मार के देख ले, हम दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, एक कॉम्बो बोर्ड है, इसमें कॉम्बो बोर्ड लगी हुई है, सिंगल नहीं है, कॉम्बो बोर्ड वाली हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर मैंने चढ़ाया दूसरी वाली, यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्बो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर ये हो रही है, दूसरी वाली कंप्लीट हो चुकी है हमारी, देखिए यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसने दूसरी लैंग्वेज दे चुका, और हमारी ये देखिए चाइना की रिमोट वर्क कर रही है, लेकिन ये मैपिंग की प्रॉब्लम है और इसकी इमेज उल्टी है, जो कि हमको मिरर ऑप्शन में जाकर इसको सेट करना होगा। देखें दोस्तों ये रिमोट वर्क करने लगी, लेकिन मैं इस पर बहुत तरह से कोशिश किया कि इसकी ओरिजिनल वाली हो जाए, लेकिन ये नहीं हुई। वो की से भी मैंने देख लिया, इसकी अपनी सॉफ्टवेयर थी उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो पर भी नहीं हुई। अब इसके मैंने दूसरी सॉफ्टवेयर डालकर ये हमारी वाली चाइना वाली यूनिवर्सल रिमोट काम करेगी, जो V59 वाली V56 वाली जो काम वर्क करती है। ऐसा प्रॉब्लम आने से आप लोग इस तरीके से आप सलूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारी ट्रेनिंग मुंबई में 17 से है इसी महीने, 29 को कलकत्ता में है इसी महीने, जो कि 29 वाली फुल हो चुकी है, और अगले महीने दूसरी बैच स्टार्ट हो रही है जो 17 दिसंबर को स्टार्ट होगी।
उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कोलकाता में कराने चाहते हैं तो करा सकते हैं, और जल्दी करा लीजिए, क्योंकि 10 ही सीट, हम 10 ही मेंबर को लेकर चलता हूँ। और हमारी फ़ोन नंबर है 9874622670, इस पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमारी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर देख सकते हैं। अगर हमारी नई नोटिफिकेशन की और नए चैनल की अगर ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी नई नई वीडियो देखने को मिल सकती है और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, मैं अब इतना ही बात बोलकर मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर। आप लोग को छठ पूजा के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, जो कि छठ पूजा आने वाली है। आप लोग की छठ पूजा अच्छा से गुजरे, मैं यही कामना करता हूँ।